आदरणीय विधायक रामगढ़, आदरणीय पूर्व विधायक पूर्व मंत्री उमाकांत जी, सभी पंचायत इस स्टेज पे है। उसके बाद भी जो सोचा देवी आपके लिए इस डुमरी विधानसभा के माता बहनों के लिए इस करने के लिए तैयार है, तो हम सभी को समझना होगा कि एक माँ जिसका चंदन लगा करके आपका सेवा कर रहे हैं, डुमरी वासियों का सेवा कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद देना है। अब हम चाहेंगे हमारे तो आप सभी को तय करना है कि जसोदा देवी को सहानुभूति देना है कि उसको सहानुभूति देना है जिसका सालाना 1.5 करोड़ रुपया। जोरदार आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। ये सारे लोगों का स्वागत, हमारे मीडिया के भाई भी उपस्थित है। सभी जयरा के जनता मतदाताओं से मुझे विनती है, वहां जोड़कर एक बार हमें जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व में हम पर विश्वास किया है, हम पर विश्वास करें। मुझे एनडीए के प्रत्याशी बना गया है, मैं एनडीए के सभी भी केंद्रीय नेतृत्व को तहे दिल से करने के लिए तत्पर रहूंगी। लेकिन समाज न्याय के क्षेत्र में आज देखोगे कि कितना मंत्री है, 11 मंत्री है ना, 11 मंत्री है, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री है क्या? एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री है क्या? एक भी नहीं है। भोक्ता जी ट्राइब बन गए हैं, 12वां थाली है। ईमानदार रहते तो इस राज्य में शेड्यूल कास्ट का मंत्री देते, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री पूरे एमएससी समुदाय का एक ही मंत्री आपका दिखाई नहीं देते। हमें मंत्रालय दिए एडवांस में, हमारे परिवार को एडवांस में मंत्रालय दिए, एडवांस में मंत्रालय हमको क्या मिला? कुर्मी घर की बहू को क्या मंत्रालय मिला? दारू मंत्री का दिए हैं, दारू बेचने का जिम्मेदारी दिए हैं। यही पूरा समुदाय, इतना बड़ा आबादी को यही सम्मान देने का काम किए हैं, यही समाज का सम्मान है, यही सम्मान देने का काम किए। सम्मान मिला ना, यही सम्मान है ना। आज देखो कुछ दिन पहले से इस मामले में जांच चल रहा है। ये मामला छत्तीसगढ़ से चला है, ये मामला का दबिशा राज्य में आ चुका, इसलिए आज यहां पहुंच चुकी है। ये हमारा परिवार के सदस्य को फंसाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सर्जन जो है